हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज देने के लिए उनकी बर्थडे पे, और मैंने गिफ्ट इसमें रख लिया है। तो अभी चलते हैं, रात का सफ़र करते हैं, फिर पहुँचूँगी मम्मी के यहाँ और फिर उन्हें धोखे से बुलाते हैं। तो ये थी मेरी बस की सीट जिस बस में मैंने सफ़र किया था। मैं फ़र्स्ट टाइम इस बस से जा रही थी, और मतलब ओवरऑल तो मेरे को मतलब वैसे तो व्यू तो सही लगा था कि हाँ चलो ठीक है मेरी एक पर्सनल सीट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई बस की, क्योंकि ये प्राइवेट थी। तो आप खुद ही सोच लो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे ही बस लोगों को बिठा लेना, ये सब चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई बिल्कुल भी बस में। बाकी ठीक था मेरा सफ़र, ठीक से कट गया, लेट के चली गई मैं आराम से। मैं आ चुकी हूँ घर पे और मेरी बिल्कुल रिकॉर्ड करने की आदत छूट चुकी है, आदत मेरी बदल गई। अब वो व्लॉग बनाने वाली आदत नहीं रही ना, तो वरना मैं आते ही मुझे व्लॉग करना चाहिए था, मैंने किया ही नहीं। आके फिर हम थोड़ी देर बातें की और फिर हम सो गए। मैं आई थी सुबह 3:30 बजे आ गई थी, फिर आके थोड़ा रेस्ट किया। अभी नहा धो के थोड़ा बाहर जा रहे हैं, मतलब मेरी सिस्टर को कहीं जाना है तो उसके साथ मैं भी जा रही हूँ। और अपने घर आके कितना सुकून मिलता है। तो यहाँ देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। पूजा हाय बोलो, हमारा व्लॉग बन रहा है बहुत दिनों बाद, ये व्लॉग तो बनता है। तो अभी हम जा रहे हैं बुलंदशहर, थोड़ा सा काम है, हालांकि थोड़ी सी थकान है मुझे सफ़र की, लेकिन कोई बात नहीं। वो खड़ी मेरी सिस्टर, वो भी जा रही है साथ में, और बस पापा ड्राइव करेंगे और बस थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं और काम करा के फटाफट से वापस आते हैं। पूजा मैडम पी रही है जूस, पी रही है इन्होंने जूस, क्योंकि इन्होंने पोमीग्रेनेट का जूस नहीं पिया था वहाँ पे। और देखो शीशे कितने गंदे हो रहे हैं, साफ ना करते पापा इन्हें कभी। तो चलो अब क्या देख रहे हैं पापा, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पापा? केले लेने के लिए। अच्छा केले, ठीक है चलो, जल गए धूप में। तो पापा जी आप बताइए, क्या आप अपने दामाद को बुलाने में कामयाब रहे कि नहीं? ईयरफोन लगने को सुनाई ना रहा, गाने में मस्त है। क्या आप अपने दामाद को घर बुलाने में धोखे से कामयाब हुए कि नहीं बताओ? तो कर लाएंगे। हाँ तो कामयाब हो गए कि नहीं? हाँ उन्होंने कहा तो मैं समझ पाएंगे। अच्छा पूजा तूने मैसेज कर दिया कृष्टि के लिए? हाँ कृष्टि के लिए कह दिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर कल को। कृष्टि को देखा ठीक है। तो हमारी प्लानिंग थी सबकी, हमने मिलके उनको बेवकूफ़ बनाया कि घर पे आना है। पापा ने बहुत बोला कि बहुत ज़रूरी काम है आपको आना है, तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे क्या बात है, क्यों बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, तो मैंने अभी कुछ नहीं बताया, कल को सरप्राइज देते हैं। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं, मैं आ गया सुबह सुबह, तो अभी हम जा रहे हैं केक का ऑर्डर देने के लिए, स्पेशल केक। सुबह सुबह जमा को ले, जब सुबह 11:30 बज रहे हैं, ठीक है तो चले मैं। तो मुझे ना कुछ यूनिक केक चाहिए था, तो मैं इसे ऑर्डर करने के लिए एक घर में ही जाना पड़ा था। मुझे भी बहुत अच्छा केक बनाती है, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने ना उल्टा मेरे साथ प्रैंक कर दिया, बोल रही थी कि जिया जी आ चुके हैं तुम कितनी देर में आ रही हो। तो मैं बहुत जल्दी भाग के आई थी, तो मुझे लगा मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, बस मैं उनके जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थे ना उनको रिकॉर्ड करना चाहती थी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि मैं 500 किलोमीटर दूर से उनके बर्थडे पर उनको सरप्राइज़ देने के लिए आई थी। हाँ ये पूजा ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, इतनी देर से लड़की मेरा दिमाग चाट रहा है, जल्दी आओ जिया जी आ गए। मैं पूरा फुल मूड में घर में घुसी हूँ और दोनों के दोनों मेरा उल्लू खींच रहे हैं। बदतमीज। तो यहाँ पे फाइनली वो आ गए थे और मैं जा रही थी दोनों को फ्लावर देके बर्थडे उनको सेलिब्रेट करना था, मतलब कि मुझे सरप्राइज़ देना था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उनके एक्सप्रेशन के लिए, और आप देखो उनके एक्सप्रेशन एकदम वाव जैसे थे, मतलब उन्हें खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच में आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने पूरा ना उनको धोखे में रखा था कि मैं वहीं पर हूँ, मैं यहाँ नहीं आई हूँ। जी नमस्ते। Surprise!
अच्छा नहीं लगा बताओ कैसा लगा था जब मुझे देखा? पहले लगा कि मोनिका नहीं है। झटका सा लगा। झटका सा? कैसा झटका लगा, क्या फील हुआ? ये लगा कि कैसा ये भी कहानी है एकदम कैसा कि सुबह बात कर रहे थे स्कूल में थी तो मतलब कैसे एक्सप्रेशन बताओ जरा एक्सप्रेशन कैसे थे बताओ ना कैसे एक्सप्रेशन थे चौंकने वाले ऐसे चौंकने वाले अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा कल क्या कह रहे मैं ये मेरे ना तो मेरे बर्थडे पे आई है कब कह रहे कल मैं कब का मेरे बर्थडे पे नहीं कल नहीं कहा था मेरे से बर्थडे पे भी नहीं आई नहीं आपको एकदम से कैसा लगा भूत खड़ा हो गया फिर आपके एक्सप्रेशन कैसे थे कैसे पापा जैसे अच्छा लगा कितना अच्छा लगा 100 out of 100 तो यहाँ पर क्रिस्टी की मदर ने बनाई है मम्मी ने बनाई है पाव भाजी तो अभी पाव भाजी किसी छोले चावल भी लिया बेटा नहीं बस पाव भाजी खाओगे कैसी लगी ऐसे मत बोलो मैंने मन से बनाई थी आपको कैसी लगी अच्छी है सरप्राइज नमस्ते मैं आई अभी ऊपर से पकड़ी हूँ काटे अरे तुम कब आई आ गई मैं अभी बहुत देर यही फूल आंचल को दे देंगे ऊपर काकू को दे देंगे नमस्ते सरप्राइज ओ देख मम्मी के पीछे लगा हुआ क्या जा रहा है मम्मी मेरी जूती तो कितना बढ़िया सरप्राइज मिले मेरा जीनो को बहुत अच्छा सरप्राइज लगा स्माइलिंग फेस अभी तो बहुत सारे अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं तो यहाँ ये कह रही है कि फ्रंट वाले कैमरे से ही मेरा फेस दिखाना अदरवाइज मैं सुंदर नहीं लगूंगी अच्छा ठीक मत तो यहाँ पे ये बलून फूल रहे हैं बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे फूल चुका और ये मेरे पैर में चोट लग चुकी है यहाँ पे मेरा बिछवा भी निकल चुका है जिसकी मैंने रिंग बना दी ये मम्मी सब्जी काट रही है शाम के खाने के लिए और काकू देखिए काकू ने ये क्या बना रखा है अपने हेयर्स का आपकी कटिंग बहुत प्यारी लग रही है आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो इन विच क्लास डू यू रीड हेलो बेबी बेबी कौन सी क्लास में पढ़ते हो स्कूल का नाम बता दे कुछ तो बोल कुछ नहीं बोलेगा लो तो यहाँ पे बैठे हैं बर्थडे बॉय दोनों और यहाँ पे तैयारी चल रही है सालियाँ कर रही हैं घर को तैयार क्यों भाई हमारी डेकोरेटर इधर की तरफ लगाया है यहाँ डेकोरेशन चल रही है फुल मस्ती काकू और क्रिस्टी पूरा एंजॉय कर रहे हैं तो चलो भाई मिलेंगे 12 बजे तब तक जो है खाना वाना खाते हैं तो यहाँ सब बैठे बहुत हंसी मजाक चल रहे हैं फनी फनी बातें चल रही हैं बचपन की चीनू के बचपन की बातें चल रही है अपने भी बता दो कुछ कितने पिटे थे तुम बचपन में ना पिटे पिटे सच में ही ये बताना ना चाह रहे पिटे तो होंगे ना पिटे अच्छा चीनू तो बहुत पिटा चिड़िया चुप हो गई क्या पता मैं तो ये
तो यहाँ टाइम हो रहा है 12:15, सब लोग वेट कर रहे हैं, सबकी आंखों में बिल्कुल नींद भरी हुई है, बहुत ज्यादा वाली। क्या चला रखा है? मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप जब और थोड़े बूढ़े हो जाओ ना तो अपने आप को खुद को देख सको कि हाँ हमने कैसे कैसे काम किए थे, हम कैसे सब लोग बैठे थे इकट्ठे होके बात कर रहे थे ऐसे। मैं भी कमरे में गई ना तो अभी कह रहे क्या सीन है तुम्हारा, कैसे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे, पैदा हो गया अब तो उठ जा मतलब लड़का सो रहा है, हम यहाँ आए 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं, खुद नींद ले रहा है, अभी पेट में ही है ना, दिक्कत ही है अभी पैदा हुआ थोड़ा जाग लो भाई। पापा की केक कटिंग का टाइम स्टार्ट हो गया, बेटा उठ रहा है क्रिस्टी, ए क्रिस्टी पापा की केक कटिंग हो रही है, चल रहे हो क्या क्रिस्टी, ए क्रिस्टी बेटा उठोगे क्या? तो यहाँ हमारा केक भी आ चुका है, केक रेडी हो चुका है हमारे बॉडी बिल्डर भाई के लिए, और वेट लिफ्टिंग करते हुए ये देखिए, और ये गिफ्ट्स रेडी हो चुके हैं, यहाँ पूरी टेबल तैयार हो चुकी है, बस आज इनका बर्थडे है, उनके आने की देर है। तो यहाँ पे हो रहा है तिलक, तू तो बहुत मोटी लग रही है, चुन्नी आ रही तेरे आकर, मोटी मोटी लगना ऐसा कर मोटी नहीं आनी चाहिए हो या ना हो, तो मेरे भाई और हस्बैंड दोनों का एक ही दिन बर्थडे होता है, तो इसी वजह से मैं घर पे गई थी ताकि दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी एक बार भी हमने इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा था, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने से मैं घर भी हो आऊँगी, सबसे मिल पीटूंगी और दोनों का साथ में एक सरप्राइज बर्थडे भी हो जाएगा। किसका नहीं खींचा फोटो, सबको वीडियो में ले ले रही हूँ जिसका नहीं खींचा, बस तुझ संग बैर लगाया।
पापा को गिफ्ट देने जा रही है क्योंकि ये रात सो गई थी, तो कह रही है अब पापा मेरे सामने मेरा गिफ्ट खोलेंगे। तो चलो शुरू करो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई आपकी। थैंक यू। नहीं इसकी। हैप्पी बर्थडे पापा। किस करके करो ना हैप्पी बर्थडे। तो कब लाए गिफ्ट? कल। कब? मेरठ से? नहीं। चलो भाई खोलो। इतनी बड़ी तो क्रिस्टी भी नहीं है, इतना बड़ा गिफ्ट लेके आई क्रिस्टी। बेल्ट लाई है लड़की। अरे बाबी थैंक यू। आपको बता था? नहीं। क्या फिर क्यों लाया? जरूरत थी है ना क्रिस्टी, बढ़िया नीड थी। खर्चे ज्यादा तेरे। हाई फाई दिमाग है, ज्यादा खर्चे हैं इसके, इसलिए ज्यादा पैसा चाहिए। नौकरी मकाम ना चले। अच्छा चलो ठीक है, फिर हमें भी देख रहेगा फिर तो। मोटी मोटी गड्डी सही मन से कह रहा है। आवाज ना यहाँ तक ठीक से। एक गड्डी क्या है, एक ट्रेड में तीनों काम हो जाएगा। एक ट्रेड में तीनों काम हो तेरी। हाँ तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जा रहे हैं हम घर पे। और कल मैं इतनी मोटी लग रही थी कि लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, मैं बहुत बुरी लग रही थी वाकई में। तो यहाँ मेरा बैग पैक हो चुका है और शाम के लगभग 4 बजने वाले हैं। सुबह से आंखों में नींद भरी हुई है रात वाली। और यहाँ पे ये बेबी तैयार हो रहा है, ये भी मेरठ जाने के लिए बोल रहा है। और क्रिस्टी खा रही है केक। क्रिस्टी बजावा सारा केक आप ही खत्म करोगे क्या? चलो भाई तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। तो ये चलने की तैयारी हो रही है, यहाँ सब लोग तैयार हो गए हमें छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए आ गए हैं सब लोग। तो चलो चलते हैं। चले कुछ अलग है बेटा, ये फ्रूट केक है शायद, कुछ अलग है डिफरेंट। तो बस इसी के साथ इनका बर्थडे समाप्त हो चुका है। और मैं बस अभी यही कह रही थी कि इन्होंने अपनी जो किस्मत है ना वो स्वर्ण अक्षरों से लिखवाई है, क्योंकि ऐसा बर्थडे हमें तो कभी नसीब नहीं हुआ कि इतने सारे लोग हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करें और इनका बर्थडे इतने लोगों ने सेलिब्रेट किया है आज। तो बस इस बड़े से ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी मैं, और हमेशा मैं चाहती हूँ कि ये एक यादगार पल बन के मेरे साथ में रहे, इसलिए आज मैंने ये ब्लॉग बनाया है। थैंक यू, थैंक यू। डलेगी वीडियो पागल है। तो ओके बाय बाय, मिलेंगे पता नहीं कब मिलेंगे। बाय बाय। बहुत सुंदर।